माने ए प्रोफेसर ने अभिषेक बाबू को बहुत शत्रु थिले नुए शत्रु के संग कहि परबिनी मैम बट सोसाइटी रो किछि लोकों सहित तंकर बसा उठाथिला सेइटा शत्रु के बंधुता के कहि परबो आमे सुनिलु तंकर सहित आपनकर भलो फ्रेंडशिप थिला गोटे समय रे से रेगुलर आपनको घर को जीवासिवा करूथिले ठीक सुनिचंती किंतु आपण माने जहा भाबुचंती आम भितर सेमिति किछि भी नथिला अच्छा आई मीन आम डायरेक्टर गोटे मूवी करिवार प्लानिंग थिला आउ तार स्क्रीन प्ले दायित्व थिले अभिषेक से मूवी रे मोर भी गोटे पार्ट थिला आउ से विषय रे डिस्कशन करिया पई आमे माने एकाठी हेतिलु सेति पई मो घरटा सुइटेबल प्लेस थिला एक कथा कोन मिछो से मूवी रो हीरोइन आउ गोटे जे फाइनल हेतिला बट लास्ट मोमेंट रे चेंज हेई तमकु निया गला आउ या पछेर कोडे अभिषेक बाबू हाथ थिला मिछो कथा से झीटा आक्टिंग प्रम्प नाला यहाँ मु नुहे आम डायरेक्टर ओपिनियन आजाद को मो आक्टिंग भल लगे आउ राइटर हिसाब से अभिषेक जी मो पर कि एथर तो सीधा सीधा प्रूफ हो मो फ्रेंड बोली मर्डर कथा उठुचे कहीं उठुचे ना ना मैडम जो झी बिना कारण से मुवि बात पड़ा आपड़ कौन भावुंट ता विषय आम कि जानन से मूवी रो बात पड़िया पछरे आपण आ आपण को डायरेक्टर को से दाई करथिला आपण दे जणा को समन भी देथिला हेले अभिषेक बाबू को दोष कोन तांको काहे के मर्डर करा गला से जाको अभिषेक बाबू को दिया जाय नथिला दिया जाय थिला आजाद बाबू को एमे ते परे मर्डर टा आजाद बाबू को ही करिया को चेष्टा हेथिला मैडम अपन माने कौन कहछथि मु किछि बुझि पाबनी किए कौन सब करि आउछथि मु मनर किछि भी पसुनी पसिबो नै ना मैडम धीरे धीरे सब पसिबो तबे आपन यदि किछि करि नांती तले कांदु छथि काहेकि माने किछि नै किछि नै आपन बेस परंती बट हम बिना परमिशन रे सर छडी आपन कोड जाई परिबेनी हिरोइन जेते बेले आखिर तो लोग गड़े पार ग्लिसरीन कौन दरकार काली राती पैकअप हेबार टिके आगरु आमको एक कथा जना पड़ा कि आज पाई शूट हेबार किसी सीन्स हटात कड़े मिसिंग अच्छी सिचुएशन मुझे बुझी पारुचे बट गोटे कथा मुझे बुझी पारुनी हटात सीन गुड़ा गला कड़े सेटा मते आश्चर्य लगुची सीन रो कॉपी सबु टेबल रो ड्रॉयर भितरे थिला आउ मेन पेज सबु ऑफिस भितरे थिला कोठी भी किछि नाही अच्छा स्क्रिप्ट विषय रे आउ के जानी थिले स्क्रिप्ट विषय रे तो यूनिट रो सबु मेंबर प्राय जानी थिले एमिति भी आर्टिस्ट माने भी के सेटा पढ़ी थिले एसे भी त भी कोन एठी अछि शुणीजे सुटिंग दिन ही आर्टिस्ट मानक स्क्रिप्ट पढ़ापे दि जाए आम डायरेक्टर एक कथा विश्वास करते से आगु ही आर्टिस्ट मानक स्क्रिप्ट दे दिखती द्वारा आर्टिस्ट मैंने आगु ही प्रिपेयर हो पारे स्क्रिप्ट राइटर अभिषेक आज सेट को आसे बोले आए जानी यूनिट अलमोस्ट सब मेम्बर एक कथा जानी केवल नयना दीदी को छाड़े कहीं से कमी जापारे का सुटिंग नाला सो एक से कमी जानवे
कौन किसी मिलना अभिषेक मरी दिन एगारटे कि विष दि जा दसटारे तमने चार कौन आगर विष था चार नुह तुम्हारे व्हाट तमें फिडेल कैस्ट्रो को ना सुनी तांगो मारिया पई एग्जैक्टली सेम ट्रिक अप्लाई करा हेतला धुआं रे मर्डर यस सिगार रे तांगो सिगार रे बोटुलिनम टॉक्सिन विष मिसई पीवा को दिया जायतला फॉर्चुनेटली तांगो भाग्य भल थिला से अल्प के रक्षा पाई जायतले बोटुलिनम टॉक्सिन ए व्हाट आगुरु कोठी गोटे शुणिला भाई लगुच आगर कौटी नुहे अभिषेक बाबू जो क्लिप बोर्ड लेखालेखी करुले से पेपर से लिखाई था बटुलिनम टॉक्सिन स्टॉपमिन ये सब तो पॉइजन ना यस मु तो एकदम भूली जाई थी भूलिबा बंद कर काम रे कंसंट्रेट कर बुझिलो सॉरी सर त माने तमे कहउचो अभिषेक बाबू को ए ट्रिक रे मारा जाई छी चार नुह धुआं रे राइट यू आर एब्सोल्युटली राइट बैंग ऑन हेले एथिरे विष टिके अलगा बोटुलिनम टॉक्सिन बदल रे सिगरेट रे स्ट्रिक्निन विष दिया जाय छी आउ किछि डेड बॉडी रा देह रे विषर धुआं भर रही से मोटामोटी आठटा सिगरेट पीछे एटा मुँह कहूनी आश्रय कह कहीं आश्रय रु आठटा बड्स मिलता ताने से सिगरेट रो पैकेट रे ही विष अच्छे ये पैकेट रे विष अच्छी ना अन्य कौन सी पैकेट सह से आठटा सिगरेट संपर्क अच्छे ए सिगरेट पैकेट टा पूरा पूरी नुआ तेणु अन्य पैकेट आसीबा संभव नुहे एई थिरु ही आटा सिगरेट पिया है छी आउ अलग पैकेट कोन लगे नथियो से अभ्यास अभिषेक बाबू कर नथिला से तांग पाखरे एक्स्ट्रा पैकेट रखन देनी एमिति हे परे सिगरेट पैकेट अदर बदल हो जाइथिबो केमिति ए काम दि थरो हेइथिबो थे अभिषेक बाबू को सिगरेट पैकेट को निया जाए थी पुणी थे से जगह विषलक पैकेट को रखा जाए थी दी थर अदल बदल भितर अभिषेक बाबू सिगरेट काढ़ी पीछे सिम्टम देखी कौन अभिषेक जानी विष दी मे बी ना पेपर रे एते सब पॉइजन ना कि मारी पारे ता ना एगुरा सब लिखा कौन दरकार ना सेमती है प्रथम ए विषय समस्त को जन था कहीं बचार इच्छा दुनिया सब बड़ इच्छा सो ये सब लिखे समय नष्ट न कर से प्रथम बचा को चेष्टा करी थांते ताले एसो से लेखु थिले कहि अभिषेक बाबू होचंती स्पेशली हॉरर आउ क्राइम पर लेखा लेके करथु राइटर सो ए पॉइजन विषय रे से आगर हो तो जानिथिबे काहे कि ना ए टाइप रो राइटर्स एसो विषय रे बेसी रिसर्च करी थांते ताहेले तो एसो पॉइजन रो सिम्पटम विषय रे से बहुत जल्दी जानि जिबा कथा से हिसाब रे निजो सेव करना बा कथा ए कथाटा राइटर बाबू जानी पाइले नि केमति ए पॉइजन रो सिम्पटम होची तंटी सुखी जिबा अनिजी फील हबा देह मुंड झिमझिम लागिबा बांति लागिबा बड़े बड़े अनिश्वासी लागिबा आ ए प्रोसेस बधे पूरा घंटाई चली छी माने डॉक्टर मुखर्जी कहबा अनुसार
दिन 10 बेले विष दिया आउ डेथ हो दिन 11 बेले ये राइटरटा पागलटा ना कौन जाणी शुणी जो जीवन दे देला ना जाणी शुणी नुहे कि से पागल भी नुहे एक्चुअली से अभिषेक बाबू को देह खराब थिला ए सब सिम्पटम्स देखि से भाबि नै थिले तांको देह खराब हबार सिम्पटम्स सो पॉजिटिव विषय चिंता करि पारि नहंती अभिषेक बाबू थे गोटे अलग टाइप्र लोक ए दुनिया में कहीं भी नथिले बापा माँ बहुत आगुरी चली जाइंटे एजाए से बाहा भी नथिले हाँ गोटे छोट घरे भड़ा नहीं रोते स्टूडेंट लाइफ से बहुत भल पढ़ुले बट बहुत लग्जरीयस लाइफ मेंटेन करते अकाउंट किसी प्राय पैसा रो ना मैडम ये हूँ तर बैंक स्टेटमेंट बेस पैसा डिपोजिट होनी किंतु डिपोजिट होता पैसा सब एका सहित तो उठाई दैट मीनस पैसा आसला तो सागे सागे खर्च ये आउ गोटे बैंक पासबुक लास्ट 5 मंथ स्टेटमेंट देख ओमे गॉड या भितर ए बहुत गुड टाइम डिपोजिट हो क्याश्रे लगुच ये कौन से बड़ काम टा ना काम तो से कमे बही पढ़ी टीवी देख टाइम पास कर लॉटरी की जुआ खेल भी अभ्यास ना गोटे आश्चर्य कथा 5 मास आगर से बैंक रोटे लकर भड़ा नहीं थे बट से लकर में कौन अच्छी बैंक को जाना ना से लकर सिल अच्छे मैडम आउ किछ इन्फॉर्मेशन आजाद बाबू एबे जो सीरियल डायरेक्शन दउछंती या आगुरु से सीरियल आउ जने राइटर लेखथले तांको ना राखाल पटनायक राखाल पटनायक जने बहुत भलो राइटर से प्रोडक्शन हाउस आउ चैनल रो पसंद थिले बट अभिषेक बाबू जेबे टू एंट्री करले से आस्ते आस्ते एथुर दूरी गले एक खबर मो पाखरे अछि अभिषेक थिले आजाद रो चॉइस तांको न पाए आजाद चैनल और प्रोडक्शन हाउस सहित तो झगड़ा होता कारण अभिषेक टैलेंटेड हेले भी
ସେ ଥିଲେ ଖିଆଲି ଟାଇପ୍ର, କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାରି ପାରୁନଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଭୟ। ବଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ିବାରୁ ଅଭିଷେକ ବାବୁଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ବି ବଢ଼ିଲା। ଯୋଉ ମନି ଆଉ ରେପୁଟେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ସେଇଟା ଅଭିଷେକ ବାବୁଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା। ୟେସ୍, ଏଇଟା ମର୍ଡର୍ର ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଇପାରେ। ସୋ ରାଖାଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଗ ବହୁତ ଅଭିଷେକ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ନଖ ଆଉ ଦାନ୍ତ ନଥିବା ବାଘ, ମାନେ ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଆଉ ବୟସ୍କ ବି, ସୋ ସେ ମର୍ଡର୍ କରିବା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ। ବୟସ ହେଇଗଲେ ଯେ ରାଗ କମିଯିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବୟସ ହେଇଗଲେ ବାଘର ସିନା ଦାନ୍ତ ଆଉ ନଖ କାମ କରିବନି, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ତ କାମ କରିବ। ଅଭିଷେକର ମର୍ଡରରେ ବଳ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ସୋ ରାଖାଲ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାମ୍, ଅଭିଷେକ ବାବୁ ଆଉ ଆଜାଦ ବାବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ତାର କାରଣ ବି କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କେସ୍। ଅଭିଷେକ ବାବୁ ହୁଏତ ଆଜାଦ ବାବୁଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ମେ ବି ଅଭିଷେକ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆଜାଦ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କାମଟା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ପରେ ବି ଅଭିଷେକ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜାଦ ବାବୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ହେଇପାରେ। ଏଠି ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାମ୍, ସେ ସ୍ପଟ ବୟ ଆଶିଷ, ହଁ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚା ଦିଆ ନିଆ କରେ ତ, ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପକ୍କା ବଦମାସ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିଶା ଖାଏ ଆଉ ଆଗରୁ ଛୋଟ ମୋଟ କ୍ରାଇମ୍ ବି କରୁଥିଲା। ବାଇ ଦ ୱେ, ଏଇ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନଙ୍କର ଖବର କ'ଣ? ସେମିତି କିଛି ଖାସ ଖବର ନାହିଁ ମ୍ୟାମ୍। ତେବେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନୟନା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଖବର ଅଛି? ହଁ, ସବୁ ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ଅଭିଷେକ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେ ଏକା ରହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଚାକର ବାକର ତ ରହୁଥିବେ? ମୁଁ ଅଭିଷେକ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରି ଆସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ। ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଝାମେଲା ଫାମେଲା ନଥିଲା, ଘରେ ବସି ବସି ସମୟ କାଟୁଥିଲେ, କପ୍ ଉପରେ କପ୍ ଚା ପିଉଥିଲେ, ଆଉ ସିଗାରେଟ୍ ସିଗାରେଟ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ପିଉଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ପିଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେଲା, କିଛି କହିଲନି ଯେ? ବାବୁ ଆମର ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲେ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଜାଣିନି, ହେଲେ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଗରମ ରହୁଥିଲା, ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ସନ୍ଦେହ ହେବାର କାରଣ? କାରଣ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ଯେ ସେସବୁ କହୁଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ରାଗରେ ନିଆଁବାଣ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ମାରିଦେବି, ମାରିକିରି ମାଟିରେ ପୋତିଦେବି, କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶେଇଦେବି, କେମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଚିତ୍କାର କରି କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ମୋର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ଚେକ୍ରେ ନୁହଁ କ୍ୟାସ୍ରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେବି, କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି, କେହି ବି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏକଥା କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଫୋନ୍ରେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ଜାଣିଛ?